हाय फ्रेंड्स, दिव्यज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं आप सभी के लिए प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 7 लेकर के आया हूं। यह हिंदी का प्रैक्टिस पेपर सेट है जो कि सीटेट का, टेट का एग्ज़ाम देने वाले, UP SSC का एग्ज़ाम देने वाले, लेफ्टपाल का एग्ज़ाम देने वाले, वीडियो का एग्ज़ाम देने वाले सारे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न हैं और ये 300 प्रश्न अलग अलग चैप्टर पर डिपेंड हैं। अगर आप सोचेंगे कि स्टार्टिंग के कुछ प्रश्न देख करके काम हो जाएगा आपका, तो आप गलत फहमी पाल रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि पूरा प्रैक्टिस पेपर सेट देखिए, ये आपको ज़रूर लाभकारी साबित होगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर सेट। कौन सा शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? चार विकल्प दिए गए हैं, निपुणता, सुंदरता, हरियाली और ईमानदारी। इसमें सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, हरियाली। यह विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि निपुणता निपुण से बनी है, सुंदरता सुंदर से बनी है और ईमानदारी ईमानदार से बनी है। ये तीनों शब्द जो हैं विशेषण हैं। दूसरा प्रश्न, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? तो मधुरता होता है और वो भाववाचक संज्ञा बनता है। तो दूसरे का विकल्प नंबर 2 होगा, ता प्रत्यय लगाने पर। आप जानते हैं प्रत्यय क्या होता है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं अगर आपको भूल गया है तो। प्रत्यय शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लग करके उस शब्द में परिवर्तन लाते हैं या नया शब्द बनाते हैं। तो मधुर एक विशेषण शब्द है, इसमें जब ता प्रत्यय लग जाएगा तो मधुरता शब्द बनेगा जो कि भाववाचक संज्ञा होगा। तो मित्रों, दूसरे में दूसरा विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न, संज्ञा का प्रकार नहीं है, कौन सा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? आप जानते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, तीसरा विकल्प सही है। चौथा प्रश्न, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? कुत्ता पिल्ला, यानी पहले जातिवाचक संज्ञा आएगा फिर व्यक्तिवाचक आएगा, कुत्ता और पिल्ला। नगर जयपुर, पर्वत हिमालय, स्त्री श्वेता। तो नगर जयपुर, नगर क्या है, जातिवाचक शब्द है क्योंकि कोई भी नगर को हम नगर कह सकते हैं, लेकिन जयपुर व्यक्तिवाचक है। तो ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का सही युग्म है। पर्वत और हिमालय, पर्वत में कोई भी पर्वत हो सकता है और उसमें एक विशेष पर्वत का नाम है हिमालय, तो यहाँ भी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का सही जोड़ा है। स्त्री और श्वेता, कोई किसी भी स्त्री को हम स्त्री कह सकते हैं लेकिन श्वेता कहने पर एक विशेष स्त्री का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का सही युग्म है। लेकिन कुत्ता और पिल्ला, कुत्ता किसी भी कुत्ते को हम कुत्ता कह सकते हैं और पिल्ला किसी भी पिल्ले को कह सकते हैं, दोनों जातिवाचक संज्ञाओं के शब्द हैं, तो यह जो शब्द युग्म है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के हिसाब से गलत है। तो पहला विकल्प सही होगा चौथे में। पांचवा है, कवि शब्द में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प आप भी ढूंढिए। मित्रों, कवि जो है, किसी भी कवि को जो कि कविता करता हो हम कवि कह सकते हैं, यहाँ किसी विशेष कवि का नाम नहीं लिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कवि जो है वह कवि जाति की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा का शब्द होगा। पांचवें का विकल्प नंबर 2 सही है। छठवां प्रश्न, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बूढ़ा शब्द जो होता है मित्रों, वो जातिवाचक का होता है, किसी भी बूढ़े व्यक्ति को हम बूढ़ा कह सकते हैं, और उसमें पा लगा दिया आपा, तो क्या हो गया, बुढ़ापा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो छठवें का विकल्प नंबर 2 सही है। सातवां प्रश्न, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, बहुत अच्छा प्रश्न, थकावट, बुराई, आलस्य और बुढ़ापा। बुरा, बुराई, ये तो भाई क्रिया से बनने वाला भाववाचक शब्द नहीं लग रहा है। आलस्य जो है, आलसी, आलस्य, ये भी जो है विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा लग रहा है। बूढ़ा,
जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ शब्द है बुढ़ापा। अब बात आती है कि थकावट को जरा देखते हैं, ठीक है। थका क्रिया से बना हुआ शब्द है थकावट, तो सातवें का विकल्प नंबर एक सही है। कवि, आठवां प्रश्न, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? शायद ऊपर के प्रश्न नंबर पांच को जरा अलग ढंग से दे दिया गया है और कुछ नहीं है, सेम प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। नौवां, बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार शब्द कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है? तो नौवें का विकल्प नंबर दो सही है, ये समूहवाचक संज्ञा का शब्द है। अब देख लीजिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सरिता, सवारी, बुलबुल, भेड़िया। दसवें का विकल्प नंबर चार सही है, भेड़िया, ये पुलिंग शब्द है। भेड़िया आया, भेड़िया आई नहीं होता, इसलिए ये पुलिंग शब्द है। कभी कभी पुलिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या विकल्प होगा। ऐसी स्थिति में उन शब्दों का वाक्य प्रयोग करने पर क्रिया के साथ हमें ये पता चल जाता है आसानी से कि वे स्त्रीलिंग हैं या पुल्लिंग हैं। ग्यारहवां प्रश्न, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राटी होगा या सम्राज्ञी होगा या सम्राटनी होगा या साम्राज्ञी होगा, क्या होगा? ग्यारहवें का विकल्प नंबर दो सही है। बारहवां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। दूध, मसी, सिरका और आसव। कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है? अब देख लीजिए बारहवें का, आप भी जरा विचार कर लीजिए। मसी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तेरहवां प्रश्न, लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। अब देख लीजिए, लिंग की दृष्टि से दही शब्द पुल्लिंग है। अब आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, दही तो स्त्रीलिंग होता है, दही खट्टी होती है कि दही खट्टा होता है? कई लोग कहेंगे नहीं, दही खट्टी होती है। दही होती है कि दही होता है, कंफ्यूजन नजर आएगा आपको। लेकिन अगर आपको यकीन ना हो तो आप डिक्शनरी खोलिए हिंदी के शब्दकोश को, उसमें दही शब्द पुल्लिंग दिया हुआ है। तो दही मित्रों एक ऐसा शब्द है जो कि हमें कंफ्यूजन क्रिएट करा देता है कभी कभी, और वो हमारे बोलने के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में वास्तविक रूप में दही जो शब्द है वो पुल्लिंग का शब्द है, विकल्प नंबर दो सही है। चौदहवां प्रश्न, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री सही है, धाता धात्री सही है, दाता दात्री सही है, लेकिन चौदहवें का विकल्प नंबर एक गलत है। तो चौदहवें का विकल्प नंबर एक जो है वो जो इसका आंसर होगा। पंद्रहवां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? जुलाहा जुलाहिन, रुद्र रुद्राणी, भाट भाटी, पंडा पंडाइन। तो पंद्रहवें का विकल्प नंबर तीन सही होगा, भाट का भाटिन होता है, भाटी नहीं होता, तो यह शब्द युग्म गलत है। सोलहवां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्रोध, बुढ़ापा, छाया, चयन। सोलहवें का विकल्प नंबर तीन सही है, बुढ़ापा, सॉरी क्षमा करें, तीन मैंने बोला, विकल्प नंबर तीन छाया, छाया जो है वो स्त्रीलिंग है। मैं विकल्प तीन मुंह से बोल रहा हूं और पढ़ रहा हूं विकल्प नंबर दो, गलती हो गई। तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? छाया, विकल्प नंबर तीन सही है। सत्रहवां प्रश्न, भवदीय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भवदीय का स्त्रीलिंग है भवदीया, विकल्प नंबर दो सही है। अठारहवां प्रश्न,
इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मोती, कटाई, कोयल और ब्राह्मी। सही है विकल्प नंबर एक, मोती ये पुल्लिंग है। मोती सुंदर होते हैं, सुंदर होती है नहीं। 19वां, सेवक का स्त्रीलिंग किससे बनेगा? अक, सेवक अक से बनेगा या इया से बनेगा या आयन से बनेगा या इका से बनेगा? तो 19वें का विकल्प नंबर चार सही है। सेवक का स्त्रीलिंग जब बनता है तो हम क्या लिखते हैं? सेविका, और उसमें क्या लगा देते हैं? इका प्रत्यय लगाते हैं, तो इका से बनेगा स्त्रीलिंग। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं मित्रों, खाली ऐसा नहीं आता है कि आपको पुल्लिंग शब्द दे दिया जाएगा, कहा जाएगा स्त्री इसकी इसका स्त्रीलिंग लिखिए, स्त्रीलिंग दे दिया गया और बोला जाएगा इसका पुल्लिंग बताइए, चार विकल्प दे दिए जाएंगे। नहीं, उसमें थोड़ा ट्विस्ट करके इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। देखिए यह है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, सिंपल सा चैप्टर, लेकिन प्रश्न देखिए किसे घुमावदार आए हुए हैं। तो आप अगर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्री से पुल्लिंग इत्यादि भी बना रहे हैं तो जरा प्रत्ययों का, उपसर्गों का भी ध्यान दिया करिए। कौन सा प्रत्यय जोड़ने से शब्द में परिवर्तन हो रहा है, किस उपसर्ग को जोड़ने से परिवर्तन हो रहा है, किस शब्द में एक से ज़्यादा उपसर्ग या प्रत्यय लगे हुए हैं, ये सब बातें बहुत महत्व रखती हैं। अगर आप ग्रामर का डीपली अध्ययन करते हैं, हालांकि एक दिन में अध्ययन संभव नहीं होता, ये सतत अध्ययन चाहिए इसके लिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग अच्छा उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं, अच्छी उपलब्धि आपको मिल सकती है अगर आप कंटिन्यू अध्ययन करेंगे तो। और बहुत ज़्यादा कई घंटों तक अध्ययन करने की भी आवश्यकता नहीं, अगर आप 2 से 3 घंटे नियमित पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी सफलता इन सब परीक्षाओं में प्राप्त कर सकते हैं। हार्डली 2 महीने की तैयारी में आप अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रायः बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? प्रायः बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, देव, छात्र, प्राण और नक्षत्र। आपने मेरी वीडियोस में भी देखे होंगे, मैंने कई बार चर्चाएं भी की हैं। 20वें का विकल्प नंबर 3 सही है, प्राण है। उसके प्राण निकल गए, ठीक है, प्राण निकल गया नहीं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ऐसा सेंटेंस लिखा जाता है, उससे अंदाजा लगता है कि प्राण शब्द जो है वह हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। 21वां प्रश्न, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है पौधा, पुस्तक, सहायता और लड़का। सहायता, आप यूज करके देख लीजिएगा, तीसरा विकल्प सही है। 22वां प्रश्न, चिड़िया का बहुवचन रूप है चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाएं, चिड़िया, क्या है भैया? तो 22वें का विकल्प नंबर 1 सही है, चिड़िया। 23वां प्रश्न, प्रस्तुत विकल्पों में से अशुद्ध शब्द युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द युग्म का चयन करना है, कीड़ा, कीड़े, गाथा, गाथाएं, घड़ी, घड़ियां, गुरु, गुरुजन, तो इसमें अशुद्ध शब्द युग्म जो है अशुद्ध कहा जा रहा है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक की बात कही जा रही है, कभी कभी गलत शब्द भी लिख दिया जाता है, लेकिन यहां जो विकल्प आपको नजर आएगा उसमें कुछ अलग बात नजर आएगी। इसका विकल्प नंबर 2 सही है, गाथा, गाथाएं, गाथाएं की स्पेलिंग गलत लिखी गई है। आगे आ जाइए, 24वां प्रश्न, पीयूष राम को पीट रहा था, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम को पीट रहा था, किसको पीट रहा था? राम को। कौन सा कारक है भाई? संबंध, कर्म, कर्ता या अपादान? तो 24वें का विकल्प नंबर 2 सही है, कर्म कारक है, कर्ता ने कर्म को। किसने पीटा? पीयूष ने पीटा। किसको पीटा? राम को। कर्ता ने कर्म को पीटा, पीयूष ने राम को पीटा, तो क्या हो जाएगा? राम कर्म हो जाएगा, राम कर्म है, इसलिए इस वाक्य में कर्म कारक है। 25वां प्रश्न, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? कौन बैठा है? भाई साहब। भाई साहब कर्ता हो गया, बैठे हैं क्रिया हो गया, कहाँ पर? चारपाई पर। जिस
आधार को लेकर के क्रिया की जाती है या जिस आधार पर क्रिया की जाती है वह आधार, वह संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द जो आधार का कार्य करता है वो हो जाता है अधिकरण कारक। तो इस वाक्य में 25वें का विकल्प नंबर 4 सही है, अधिकरण। अधिकरण की विभक्ति होती है में या पर, विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए संबंध काकी के, नानी ने रारी रे, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे अहो। 26वां प्रश्न, से किस कारक का चिन्ह है, संप्रदान का, कर्म का, अपादान का, अधिकरण का। देखिए से जो है वो दो कारकों का विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है, पहला करण कारक का और दूसरा अपादान। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो करण में भी आता है। संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए, अपादान में भी आता है। जब कोई वस्तु कोई चीज़ एक जगह से दूसरी, एक से दूसरी अलग होती है तो वहाँ पर भी से का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों ये करण और अपादान दोनों का है, लेकिन दोनों विकल्प एक साथ नहीं दिए जाएंगे। देखिए यहाँ संप्रदान दिया है, कर्म दिया है, अपादान दिया है, अधिकरण दिया, लेकिन करण नहीं दिया है। अगर करण देगा तो अपादान नहीं देगा, अगर अपादान देगा तो करण नहीं देगा, इसलिए बी केयरफुल, ठीक है। और है ये दोनों कारकों की विभक्ति चिन्ह, ठीक है। तो यहां अपादान सही है, विकल्प नंबर 3। 27वां प्रश्न, पर कारक चिन्ह है, अभी अभी जस्ट चर्चा किया 26वें मैंने, किसका, अधिकरण कारक का। 27वें का विकल्प नंबर 4 सही है। 28वां प्रश्न, किस वाक्य में अपादान कारक नहीं है, अपादान कारक यानी से अलग होने का भाव। नम्रता से बात करो, आपने मुझे हानि से बचाया, बचाया लेकिन किससे, हानि से, ठीक है। हिरण शेर से डरता है, डरता है लेकिन किससे, शेर से। मैं पंजाब से आया हूं, कहां से, पंजाब से। अब देख लीजिए किस वाक्य में अपादान कारक नहीं नजर आया आपको, पहले में नम्रता से बात करो। यहां दो चीजों का अलग होना या एक चीज से दूसरी चीज दूर हो रही है ऐसा भाव नजर नहीं आ रहा है। यहां बचा जा रहा है हानि से तो दूर होने का भाव है, डरा जा रहा है शेर से दूर होने का भाव है, आया है इंसान कहां से, पंजाब से, पंजाब से दूर हुआ। तो हर जगह जो है अपादान कारक नजर आ रहा है लेकिन पहले में नहीं नजर आ रहा है। तो 28वें का विकल्प नंबर 1 सही है। 29वां प्रश्न, किस कारक द्वारा वस्तुओं में अलगाव का भाव प्रकट होता है, करण, संबोधन, अपादान या संप्रदान। 29वें का विकल्प नंबर 3 सही है, अपादान। मैंने अपादान पे अच्छी प्रैक्टिस करा दी आपकी कई प्रश्नों से। 30वां प्रश्न, सुरेंद्र वीरेंद्र का मित्र है, वाह, वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता, कर्म, अधिकरण या संबंध। चौथा देख लीजिए, संबंध कारक, काकी के, एक तो पहचान इससे मिल गई जो चिन्ह लगा है, कारक चिन्ह। और इसके अलावा दो संज्ञाओं में आपसी संबंध बताया जा रहा है, दो व्यक्तियों में संबंध बताया जा रहा है, दो वस्तुओं का संबंध या एक व्यक्ति एक वस्तु का संबंध ऐसा नजर आता है उसमें, काकी के, रारी रे, नानी ने, अपना, अपनी, अपने, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। और संज्ञा शब्दों के साथ काकी के लगता है और सर्वनाम में भी उसका, उसकी, उसके, ठीक है। तो मित्रों आपको इस प्रश्न पत्र में 3 चैप्टर खास तौर पर नजर आए होंगे, 3 से 4। जैसे एक तो संज्ञा नजर आई होगी, संज्ञा से संबंधित प्रश्न नजर आए, विशेषण से संबंधित प्रश्न नजर आए, इसके बाद आपके वचन और लिंग से संबंधित प्रश्न नजर आए और कारक से संबंधित प्रश्न नजर आए। तो मैंने आपको इतने सारे चैप्टरों को कवर करते हुए ये प्रश्न पत्र, अभ्यास प्रश्न पत्र तैयार किया है। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ लाइक किया है, नहीं किया है तो वो जो अंगूठा ऊपर का निशान है, ऊपर वाले अंगूठे का, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर करने के लिए मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा, दोस्तों मित्रों सगे संबंधियों से शेयर करिए ताकि उनका भी ज्ञान बढ़े। चलिए मित्रों, अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।